हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करने वाले हैं जो सीजनल चेंजेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट डेलकमारा। डेलकमारा का कॉमन नेम है बिटर स्वीट। इसे डिस्कवर किया है डॉक्टर हैनीमैन ने। इसकी फैमिली नेम है सोलानेशिया। सोलानेशिया फैमिली से ये बिलोंग करता है। डेलकमारा के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जो मास्टर हैनीमैन ने इंट्रोड्यूस किया है। ये एक पावरफुल प्लांट से बना हुआ है और लॉन्ग एक्शन है इसका हमारी बॉडी में। सूदिंग इफेक्ट्स देता है स्मार्टिंग वुंड्स को ओवर द स्किन सरफेस। स्मार्टिंग वुंड्स इसका मतलब होता है ऐसे वुंड्स जो पेनफुल एंड स्टिंगिंग होंगे, इसे स्मार्टिंग वुंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम ऐसे क्लिनिकल कंडीशंस की बात करने वाले हैं जहां हम डेलकमारा को क्लिनिकली यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे एनासार्का के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। एनासार्को ये एक जनरलाइज्ड स्वेलिंग है, पूरी बॉडी में होता है। नेक्स्ट हम इसे कैटरा के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। कफ, कॉलेरा, डायरिया, ड्रॉपसी, डिसेंट्री, फीवर के कंप्लेंट्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम इसे ब्लैडर अफेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। नोज अफेक्शन, यूरिनरी अफेक्शन, वूफिंग कफ्स के कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम इसे हर्ब्स के कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। हर्ब्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो हर्ब सिंप्लेक्स वायरस से होता है, HSV वायरस से होता है। नेक्स्ट हम इसे इन्फ्लुएंजा के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा को कॉमनली फ्लू भी बोलते हैं। इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी इलनेस है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। लंबैगो के कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लंबैगो इसका मतलब होता है लोअर बैक पेन, ऐसे कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। मिसल्स के कंप्लेंट्स में हम डेलकमारा का यूज़ कर सकते हैं। मेनिनजाइटिस, नेटल रैश, नेटल रैश का मतलब होता है अर्टिगेरिया, ऐसे कंडीशन में हम डेलकमारा का भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूरलजिया के कंप्लेंट्स में ऑप्थेलमिया, स्किन ट्रबल। नेक्स्ट हम इसे टॉन्सिलाइटिस के कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। वार्ट्स के कंप्लेंट्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वार्ट्स ये एक स्मॉल बिनाइन ग्रोथ होता है स्किन पे जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है, HPV वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट हम स्पीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो डेलकमारा का स्पेशल एक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे बिसाइड ग्लैंड, स्किन्स एंड मसल्स। पैथोजेनेसिस, डेलकमारा ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट कॉज करता है, स्पेशली लिम्फेटिक सिस्टम का सेलुलर रिफ्यूजन, एंड ये प्रोड्यूस करता है स्किन इरप्शंस को। डेलकमारा प्रोड्यूस करेगा कैटरल इन्फ्लेमेशन म्यूकस मेम्ब्रेन का एंड स्किन का, जिसकी वजह से प्रोफ्यूज सिक्रेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन से। नेक्स्ट हम इसके कंस्टिट्यूशन की बात करें तो डेलकमारा का पेशेंट दिखने में कैसा होगा, टेम्परामेंट्स कौन से कवर करेगा, हॉट पेशेंट होगा या चिली पेशेंट्स होगा, माइजम्स कौन से कवर करेगा, ये सब हम कंस्टिट्यूशन में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे फिजिकल मेकअप, पेशेंट दिखने में कैसा होगा। जो डेलकमारा के पर्सन है ये फ्लेगमेटिक स्क्रोफिलस कंस्टिट्यूशन के होते हैं। फ्लेगमेटिक का मतलब होता है काम पेशेंट होंगे, टेंडेंसी टू अवॉइड एक्साइटमेंट्स। स्क्रोफिलस का मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉर्म स्क्रोफिला। स्क्रोफिला ये एक ओल्ड टर्म है जो ट्यूबरक्लोसिस का फॉर्म है। बेसिकली ये अफेक्ट करता है लिम्फ नोड्स को। तो ऐसे कंस्टिट्यूशन के पेशेंट होंगे डेलकमारा के। टेम्परामेंट इरिटेबल टेम्परामेंट होगा। टेम्परामेंट को हमने ऑलरेडी स्पेशल वीडियो में अलग से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है। गो एंड सी डिटेल अबाउट टेम्परामेंट्स और उसके टाइप्स। नेक्स्ट हम इसे हॉट रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड की बात करें तो जनरली ये ना चिली होंगे ना हॉट होंगे, वेदर चेंज की वजह से ये अफेक्ट हो जाते हैं तुरंत। माइजम में साइकोटिक एंड सोरिक पेशेंट होते हैं डेलकमारा के। गाइडिंग सिम्टम्स, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बात करने वाले हैं जो स्पेशल डेलकमारा के हैं। तो डेलकमारा के ये एक एक्सेलेंट रेमेडी है ऐसे पेशेंट्स के लिए जो जिनमें ज़्यादातर कंप्लेंट्स चेंजेस, सीजनल चेंजेस या वेदर चेंज की वजह से होती है, एग्रेवेट होते हैं बाय एक्सपोजर टू कोल्ड डैम रेनी वेदर से। कॉन्सिक्वेंट अपॉन पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन का मतलब होता है स्वेटिंग। इसमें स्वेटिंग सप्रेस्ड होगा और इंक्रीज होगा सिक्रेशन म्यूकस मेम्ब्रेन से। ये ग्रेट सिम्टम है डेलकमारा का। कैटरल कंडीशन होगा, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज दिखेंगे, यूरिन, सेलेवा, लूज स्टूल्स, म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स, बहुत ही ज़्यादा कॉस्पिशियस होते हैं सारे डिस्चार्जेस बॉडी के। नेक्स्ट एग्रेवेशन जो है ये कोल्ड से होगा और रिलीफ पेशेंट को वॉर्म्ड से मिलेगा। अर्टिगेरिया विल बी प्रेजेंट, और भी अलग अलग वेरियस स्किन ट्रबल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे विदाउट फीवर। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेलकमारा। नेक्स्ट सिम्टम इज दैट डेलकमारा में अम्बिलिकस पे पिंचिंग या शूटिंग पेन आपको देखने के लिए मिलेगा अगेन एंड अगेन। रैशेज आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड अदर इरप्शंस आपको फेस पे, हैंड्स पे एंड आर्म्स पे देखने मिलेंगे बिफोर मेंसेस। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेलकमारा।
नेक्स्ट सिम्टम इज दैट वे लाइक एंड मिल्की यूरिन कैटरल इस्टूरिया आपको देखने मिलेगा पेशेंट में. इस्टूरिया दैट इज डिफिकल्ट और पेनफुल यूरिनेशन, स्पेशली चिल्ड्रंस में होगा मिल्की यूरिन के साथ. इनवॉलेंट्री यूरिन प्रेजेंट होगी. एनासार्का का मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया इंट्रो में, एनासार्का का मतलब होता है स्वेलिंग थ्रू आउट द बॉडी. जनरलाइज स्वेलिंग आपको देखने मिलेगी. रूमेटिज्म, स्कारलेट फीवर विल बी देयर. सप्रेस्ड इरप्शंस आपको देखने मिलेंगे. सप्रेस्ड स्वेट्स आपको देखने मिलेंगे. नेक्स्ट हम माइंड की बात करें तो डल के मारा पेशेंट मेंटल कन्फ्यूजन विल बी देयर. कैन नॉट फाइंड राइट वर्ड फॉर एनीथिंग. कुछ बात अगर बोलनी है तो उन्हें सही वर्ड नहीं मिलता है बोलने के लिए, ऐसे पेशेंट होता है. आइलमेंट्स की बात करें तो ऐसे कंडीशन जहाँ पे डलकमारा के सिम्टम ज़्यादा वर्स होंगे, तो सबसे पहले तो अगर पेशेंट बारिश में भीग रहा है तो उस टाइम पे अगर सिम्टम्स एग्रवेट हो रहे हैं तो दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डलकमारा. नेक्स्ट डैम कोल्ड वेदर पे होगा. वेडिंग इन वाटर विद बेयर फुट. वॉशिंग चेक्ड परस्पिरेशन. सप्रेस्ड या चेक्ड इरप्शन आपको देखने मिलेगा. व्हेन द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड. ऐसे कंडीशंस में सारी कंप्लेंट्स एग्रवेट होते हैं डल कमारा के. नेक्स्ट हम पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात करें तो डल कमारा पर्टिकुलरली हेडेक के कंप्लेंट्स में यूज़ किया जा सकता है. इसके साथ आइज के कंप्लेंट्स में, नोज़ के कंप्लेंट्स में, GIT एंड कफ के कंप्लेंट्स में हम डल कमारा का यूज़ कर सकते हैं. इसके साथ हम इसे रूमेटिज्म, स्किन कंप्लेंट्स एंड फीवर के कंप्लेंट्स में स्पेशली यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट जनरल मोडालिटीज़ की बात करें तो सिम्टम कब ज़्यादा एग्रवेट होंगे, तो एट फ्रॉम कोल्ड इन जनरल, डैम्प रेनी वेदर, कोल्ड एयर, सप्रेस्ड इरप्शंस एंड स्वेट से सिम्टम्स एग्रवेट होते हैं. एमेल्योरेशन विल बी बेटर बाय मूविंग अबाउट एंड फ्रॉम वॉर्म्ड, ड्राई वेदर, वार्म एयर एंड वॉकिंग. सो दिस वॉज ऑल अबाउट डल कमारा ड्रग पिक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.